नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ एक बार फिर दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पूर्वी जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के नेतृत्व में जाफराबाद से शुरू हुई नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जामिया के बाद अब की बार ये प्रदर्शन सीलमपुर इलाके में हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस मौके पर पहुंचे शाहदरा डीसीपी अमित शर्मा के सिर पर पत्थर लगा। हिंसक प्रदर्शन के बाद आसपास के मेट्रो स्टेशन रोडों को बंद कर दिया गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दोपहर 1 बजे के बाद से ही प्रदर्शन जारी था, लेकिन 2 बजे के करीब प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। सीलमपुर इलाके में प्रदर्शन के बाद वेलकम, जाफराबाद, बाबरपुर मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। यहां जमा प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जामिया इलाके में विरोध प्रदर्शन के हिंसक रूप में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जामिया हिंसा मामले में फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सबसे पहले हाईकोर्ट में जाए, जब हाईकोर्ट कोई फैसला देगा तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट ही अपने विवेक के अनुसार छात्रों को मेडिकल सुविधा, गिरफ्तारी के मामले में आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है। हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई। छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ शाहीन बाग इलाके में रविवार को शुरू हुआ धरना विरोध प्रदर्शन सोमवार को और मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कालिंदी कुंज से सरिता बिहार जाने वाले रोड पर डिवाइडर की रेलिंग, साइन बोर्ड, पत्थर और पेड़ उखाड़ कर रख दिए। तो वहीं PWD की मेंटेनेंस वैन को भी प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर रोड के बीचों बीच खड़ा कर दिया। ठंड से बचने के लिए रोड पर जगह जगह आग जला रखी थी। प्रदर्शनकारी अन्य स्थानीय लोगों से अपने घरों के बाहर निकल प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। इस दौरान शाहीन बाग के हाई टेंशन लाइन वाला मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहा। प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के अलावा जामिया मिल्लिया इस्माइलिया के छात्र छात्राएं और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के छात्र छात्राएं भी पहुंचे थे। धरने को दूसरे दिन जामिया और AMU के छात्रों ने ही संबोधित किया। ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान भी सुबह से दोपहर तक प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी लोगों से चंदा देने की अपील भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को स्थानीय लोगों ने बिरयानी और केले भी बांटे। प्रदर्शन कर रहे अधिकांश लोगों ने दोपहर और शाम को धरना स्थल पर ही नमाज पढ़ी। सूत्रों से पता चलता है कि इन प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस पर भी हमला कर उसे आगजनी और तोड़फोड़ के हवाले कर दिया। जिस तरह का माहौल दिल्ली में जो बन रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसे देश में अराजकता और अशांति का माहौल बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि दिल्ली में किस तरह उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ जाते हैं और पुलिस से मारपीट चालू कर देते हैं, पुलिस की तरफ पत्थर फेंके जाते हैं। पुलिस के DCP इस दौरान पत्थर लगने से घायल हो जाते हैं। आखिर कौन चला रहा है दिल्ली को? आखिर किसका हाथ हो सकता है इस पूरी घटना के पीछे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।